ए रघु, राजा नाम है अपुन का राजा। दो पैक ज्यादा माल लिया तो बहुत आवाज कर रहे हैं। अरे देवा, आप क्या करो, अपना पैसा कैसे खाएगा? कोई कैसे खाएगा? अबे उसको तो ऐसा ये जगह मिला था तेरे को करने को? चलना जाना और झाड़ के पीछू जा, चल। क्या हो तेरे को? टूटा हुआ चश्मा, फटे हुए कपड़े? वो मैं गिर गया था। तेरी कोई गलती नहीं राजा इसमें, पीने के बाद ना सब गिर जाते हैं। देखिए, मैंने कोई शराब वराब नहीं पी है, वो किसी का भला करने गया था तो उस चक्कर में गिर गया मैं। ओ भला। ए बंटा, इतने रात को किसका भला करने गया था तू? चल निकल निकल। निकल। हाँ, जाता हूँ जाता हूँ। अरे जा। चल चल। कहाँ रह गए ये? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है इनका। माले एक भी रिक्शा नहीं। ओए है क्या? माचिस है क्या? माचिस? हाँ, मैं धूम्रपान नहीं करता। क्या नहीं करता? मैं सिगरेट बीड़ी नहीं पीता। ए, बीड़ी सिगरेट मैं भी नहीं पीता। चान, तो माचिस क्यों चाहिए? आग लगानी। ए, लकड़ी को आग लगानी है, ठंड लग रही है ना, वो देख। ओ, अच्छा, सॉरी यार, नहीं है मेरे पास। देख रहा है, ये बैग में होगी। बुलाना नहीं है करके। अरे ये रुके, इतना टूटा फूटा क्यों है? वो मैं गिर गया था इसलिए टूट गया। ये बैग में क्या है? से मतलब सच बोल, बैग में क्या है? ए, सीने से क्यों लगा के रखे? ठंड है ना अभी, इसलिए ठंड ना लगे इसलिए वो सीने से लगा रखा है। ए, शकल से उल्लू दिख रहा है क्या? मैं चोरी करके आया ना। देख, आधा आधा बांट लेते, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। क्या बोलता है? डरना मत भिड़े, डरना मत, तूने कुछ नहीं किया है। बोला पुलिस को? भाई साहब, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप आ गया ना लाइन पे। एक काम करते हैं, मैं पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूँ, अभी मेरे साथ चलिए। क्या वैसे भी रिक्शा नहीं मिल रही यहाँ पे, तो कंपनी मिल जाएगी मुझे। आइए चलिए। अरे चलिए भाई साहब। आप जाओ। अरे अभी बोले थे पुलिस स्टेशन जाने के लिए। नहीं चलो। नहीं नहीं, अरे चलो, सुनो मेरी बात। नहीं नहीं, अरे कंपनी मिल जाएगी। अरे चलो चलते, अरे जाते पुलिस स्टेशन। आत्मराम भिड़ेला घाबरोते। ये रिक्शा मिली तो बरे। अरे मियाली, रिक्शा मियाली। वाह 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 वाह। अरे भाई साहब खाली है ना? चलिए चलिए
कहाँ जाना भाई साहब? पुलिस स्टेशन। चलिए। पुलिस स्टेशन? हाँ। नहीं नहीं भाई साहब, मैं नहीं जाऊँगा पुलिस स्टेशन। क्यों? अरे क्यों क्या साहब, परसों रात को एक स्कूटर वाले ने मेरे रिक्शा को ठोक दिया, अब उसके चक्कर में पूरी रात मुझे पुलिस स्टेशन में रुकना पड़ा और कल हमारे रिक्शा में हाथापाई हो गई, अब फिर मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। भाई साहब मैं पुलिस स्टेशन जाने की हैट्रिक नहीं बनाना चाहता। नहीं नहीं भाई, कोई लफड़ा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, चलिए ना पुलिस स्टेशन प्लीज। अरे बोला ना साहब नहीं जा पाऊंगा। देखिए मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। जाइए लेकिन चल के जाइए। अरे प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं नहीं जाऊंगा बोल दिया ना, अब उतरिए। क्या मुसीबत है, एक मुश्किल से रिक्शा मिली थी वो भी नहीं। मुश्किल से एक रिक्शा मिली थी वो भी नसीब में नहीं थी। अरे बाप रे, कितनी देर हो गई घर से निकले, बेचारी मादी तो राह देख रही होगी। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाता, सीधा घर जाता हूँ। बेचारी मादी की टेंशन के मारे हालत खराब हो गई होगी। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, सोसाइटी में सभी को बताती हूँ। नहीं नहीं, थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ, शायद आ जाए। रुक 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 रुक, घुमा घुमा घुमा, रुक रुक क्यों गए? अरे ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। लगता हम लोग गलत रास्ते आ गए, वही रास्ता बराबर था। घुमा घुमा, रास्ता भूल गए थे, मैं भी खामखा डर गया। नहीं है कहीं, रिक्शा रिक्शा रिक्शा, भाई साहब गोकुला सोसाइटी चलेंगे प्लीज। क्या साहब, रात को मजाक कर रहे हैं? मतलब साहब गोकुल धाम सोसाइटी सामने है और आप कह रहे हैं रिक्शा चाहिए? और यहाँ वो टेंशन में याद नहीं रहा। थैंक यू थैंक यू। माधवी मैं हूँ, दरवाजा खोलो। ओह, वो कहाँ जाना? ओह, क्या हुआ आपको? हाँ, ये चश्मा कैसे टूट गया? ये दाग वाग कैसे लग गए सब? कहीं गिर गए थे आप? हाँ, लगा तो नहीं था आपको कहीं? हाँ, भैया, ये कुर्ता तो फट गया। क्या क्या हुआ? किसी के साथ मारामारी हुई आपकी? हम और ये ब्रीफकेस किसका है? किसने दिया? बीच रास्ते में मिला? बताइए ना क्या हुआ? अरे माधवी मुझे बोलने दो कि तो मैं बोलूंगा ना। सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या हुआ? झगड़ा हुआ किसी के साथ? गिर गए आप? ये ब्रीफकेस किसका है वो तो कुछ? दरवाजा बंद करो। आओ इकड़े। हाँ आप बताइए क्या हुआ, झगड़ा हुआ, गिर गए आप? हाँ, ये ब्रीफकेस किसका है बोलिए ना। माधवी कितने सवाल पूछ रही हो, जरा शांत हो बस। इस ब्रीफकेस में बिस्किट्स है, बिस्किट्स। बिस्किट? हाँ। आप मनोज भाई के यहाँ पेमेंट लेने गए थे, वहां से आपका फोन भी आया कि पेमेंट मिल चुका है। मिल गया। तो मनोज भाई ने ब्रीफकेस भर के बिस्किट दिए? नहीं 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 नहीं, एक मिनट।
ए माधवी माधवी माधवी, अरे उठ जाओ, उठो माधवी माधवी, उठो उठो उठो। अरे आप बेहोश हो रही हो यहाँ पे, मैं टेंशन में, तुम बेहोश हो रही हो, यहाँ बैठो 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 बैठो। ओहो, इतना सारा सोना देखने के बाद कोई भी बेहोश होगा, ये कहाँ से आए? बता रहा हूँ क्या हुआ, मैं मनोज भाई के यहाँ से पेमेंट लेके निकला और मैं रास्ते में आ रहा था तो और मैंने मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती उसने इनाम के तौर पे ये सारे बिस्किट मुझे दे दिए। अहो, ये आपको उसने नहीं दिया है। भाई चपर उसी ने दिया है माधवी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है ये आपको आपके भाग्य ने दिया है, आपके अच्छे कर्मों का फल है ये। तो सुना, कितना सुना, इतना सोना देखकर तो मेरा तो वापस बेहोश होने का मन कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, बेहोश मत होना, मैं टेंशन में हूँ, मैं बेहोश क्या हो रही हूँ बार बार। नहीं नहीं, आओ एक बार हाथ में ले लो। आओ, एक बिस्किट 100 ग्राम का है। ओ? ऐसे कितने सारे? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा अभी। 5000 ग्राम, 5 किलो सोना, 10 ग्राम का भाव अगर 25,000 पकड़े, उस हिसाब से 5000 ग्राम का 1.25 करोड़। ओ, 1.25 करोड़ का सोना है। अपने घर में 1.25 करोड़ का सोना है। करोड़ के मालिक है हम लोग। सोना दो, उसे सोने दो, उसे क्यों बोल रही हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं मेरी खुशी कैसे मनाऊं। इतना सारा सोना, इतना सारा सोना। दया भाभी की तरह गरबा करो। एक हेलो, आओ मस्त घूमने ना तेरा, उड़ी 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 उसकी क्या गारंटी है? किसी से लूट कर लाया होगा तो, कहीं चोरी की होगी तो, स्मगलिंग का भी हो सकता है ना माधवी, ये भी तो हो सकता है कि कोई साजिश हो। तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डर तो मुझे भी लग रहा है माधवी, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। एक काम करते, सोसाइटी को बताते। हाँ बरोबर है, कल सुबह ही बता देते। नहीं नहीं, कल सुबह नहीं माधवी, अभी बताते। अभी इस वक्त? वैसे भी टेंशन के मारे कहाँ नींद आने वाली है हमें, अगर हम लोग बता देंगे तो एटलीस्ट हम लोग को चैन मिलेगा। ठीक है, सोड़ी भाई को बताओ। करो करो फोन, फोन करती हूँ। किसका फोन है? बोल पिलू। हेलो सोना भाई, सोड़ी भाई। माधवी भाभी कैसा ला? सब चांगला? इतनी रात को फोन, सब ठीक है ना? हाँ जल्दी से घर आ जाइए ना प्लीज। माधवी भाभी, वो पिलू पेमेंट लेने के लिए गया था मनोज भाई से, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? पिलू घर पे आए नहीं अभी तक? नहीं नहीं, वो आ गए हैं, लेकिन आप जल्दी से प्लीज घर पे आ जाइए अभी। गलती है माधवी भाभी। सॉरी भाई, अभी मैं फोन पर नहीं बता सकती हूँ, आप प्लीज घर आ जाइए ना यहाँ पे अभी के अभी। हाँ आता हूँ मैं माधवी भाभी, उन्हें आना। हाँ थैंक यू। अरे रोशन सूट है,
सुनिए, माधु भाभी और पीड़ू ने अभी के अभी घर बुलाया। चलिए पापा, मैं आता हूँ आपके साथ। है? अरे नहीं डिकरा, तुम्हें कल स्कूल है, तुम सो जा, रोशन हुआ। नहीं नहीं सुनिए, कोई टेंशन की गल नहीं है, तू एक काम कर, गोगी पुत्र को आराम से सुला दे, और अगर कोई टेंशन की बात होगी ना तो मैं तेरे को फटाफट बुला लूंगा। भले भले, चलो गुड नाइट। माधवी, ये भगवान भी हमारे साथ अजीब खेल खेल रहे। नहीं, 4,700 रुपए लेने गया था मैं, साथ में 1.25 करोड़ का सोना दे दिया। विचार क्या है तुझा बाबा? माधवी, ऐसे डायरेक्ट दरवाजा मत खोलना, पहले पिड़ो। माधवी भाभी, मैं हूँ। सोड़ी से अरे पिड़ो, क्यों हो गया यार इतनी रात? तेरे तो कपड़े फटे हुए हैं, तेरे देख, तेरा चश्मा भी टूटा हुआ है यार। भाई क्या हुआ? क्या? अरे क्या हुआ? ओए बस, समझ गया मैं, तेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तू मनोज भाई से लेने गया था ना अचार पापड़ के पैसे, जरूर उन्हीं ने तेरे से मारामारी की होगी। उनको तो मैं अभी जाता हूँ, स्वाद छुड़ा के आता हूँ। थोड़ी भाई, मनोज भाई अच्छे हैं। हाँ, उन्होंने पैसे दे दिए भाई, पैसे मिल गए मुझे। तो फिर प्रॉब्लम क्या हुआ? नहीं तू बैठ। हाँ बैठ बैठ, बोल। देख छोड़ी, मैं बहुत टेंशन में हूँ अभी, और मुझे सलाह की जरूरत है। बोल। नहीं, तुम्हारी सलाह मैं लूंगा सोड़ी, लेकिन ये बात है ना, मैं पूरे गोकुल वासियों को बताना चाहता हूँ। पीड़ू, अच्छा आइडिया है, सब लोग एक साथ सलाह देंगे ना तो अच्छी सलाह निकल के आएगी। मैं अभी फोन करता हूँ, पहले हाथी भाई को फोन कर लेता हूँ। डॉक्टर हाथी, डॉक्टर हंसराज हाथी स्पीकिंग। हाँ हाथी भाई। सोडी, हाँ आप एक काम करो, फटाफट अभी के अभी पिड़ू के घर पे आ जाओ। सोडी क्या बात है? हाथी भाई, अभी ज्यादा सवाल मत करो और फटाफट पिड़ू के घर पे आ जाओ। आता हूँ भाई। हाँ थैंक यू। क्या हुआ हंस? सोडी का फोन था, बड़े मास्टर के घर पे बुलाया है इस वक्त। लगता है बेड़े की तबीयत ठीक नहीं होगी, मैं चेक करके आता हूँ। ठीक है। टब्बू के पापा, फोन की घंटी बज रही है। किसका फोन है? आपका। मैं अपने आप को फोन कैसे कर सकता हूँ? अरे मेरा मतलब है, आपका मोबाइल फोन है, उस पे किसी का फोन आ रहा है। सोडी का फोन इतनी रात को? हाँ सोडी। ओ जेठापरा, इसी वक्त उसी फटाफट पीड़ू के घर पे आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? जेठापरा, सब लोग पीड़ू के घर पे आ जाएं, फिर सबको एक साथ बताता हूँ। अरे पर क्या हुआ क्या भाई? तुसी जल्दी फोन रखो और आ जाओ, मुझे और बाकी सबको भी फोन करना है। अरे जेठापरा, एक काम करोगे? हाँ बोलो। मेहता साहब और अय्यर को फोन करके बुला लोगे पिड़ू के घर? हाँ ठीक है, मैं कर देता हूँ। और पोपू को मैं फोन कर देता हूँ। और हाथी भाई को? उनको तो मैंने फोन करके बुला लिया। ठीक है, थैंक यू। तो क्या हुआ टप्पू के पापा? पता नहीं, सोडी का फोन था, सबको भिड़े के घर पे बुलाया अभी इतनी रात को। क्यों, क्या बात है? पता नहीं, उसने बताया नहीं, बोला सब आ जाए तो सबको एक साथ में बताऊंगा। इतनी रात को बुलाया, कोई टेंशन वाली बात होगी? इतना सारा सोना, वो भी एक मिडिल क्लास घर में, और वो भी कोई राजा महाराजा की तरह इनाम में दे। भाई हमने तो आज तक ऐसी चीजें फिल्मों में ही देखी थी, लेकिन ये तो सच हो गया जिंदगी में, ये तो हो गया भिड़े की जिंदगी। अब देखिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार में इतना सारा सोना, भाई इतना सारा सोना क्या नहीं कर सकता, क्या क्या नहीं खरीद सकता, क्या क्या नहीं पा सकता। असल में सारे सपने पूरे हो सकते हैं इतने सोने से, इसलिए माधवी भाभी बड़ी खुश है। लेकिन भिड़े ने हम सभी को बुलाया है राय के लिए, अब हम लोग क्या राय देंगे? और इतना सारा सोना देख के हम लोग क्या रिएक्ट करेंगे, कैसी राय देंगे भिड़े को, और भिड़े क्या करेंगे? बाय द वे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप लोगों को इतना सोना मिल जाए तो आप क्या करेंगे? क्या करते आप? सोचते रहिए, अब देखना यह है कि भिड़े क्या करेगा। लेकिन इस वक्त सच ये है कि भिड़े करोड़पति बन गया है, और आपके घरों में बरसात होगी झाक होगी, जैसे यहाँ बरसात हुई सोने की। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।